जी नमन करते हुए ये पुष्प अर्पित करते हुए हमारे साथियों आज के स्वच्छ विधेयक पर संविधान दिवस या यू में आई लोगों से खुले में नारा देखे जोर से तालियां प्यारे साथियों और जोर से तालियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो हम अब हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे है कॉन्स्टिट्यूशन मीन जस्टिस कम मैं सबसे पहले अपने तमाम कर्मचारियों की तरफ से भाजपा अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का स्वागत करता हूं और अपने तमाम कर्मचारियों की तरफ से क्योंकि आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं उस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में क्योंकि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के पास यहां पर आए हैं और हमने नमन और फूल अर्पण करके ये दिखा दिया है कि भारत का संविधान पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और इस सर्वश्रेष्ठ संविधान के अंदर सब कुछ किया जा सकता है। मैं ये भी कहता हूं जब भारत देश आजाद हुआ तो उस वक्त जो सबसे बड़ा काम था वो था इस देश का संविधान बनाना और ऐसा संविधान बनाया है कि सर्व समाज को एक कर दिया है। हमारी पहचान हमारा धर्म हमारा मजहब बाद में आता है, सबसे पहले हम भारतवासी भारतवासी के हैं और इंडियन है और हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस संविधान ने हर चीज का अधिकार दिया है। अगर हम यहाँ 180 दिन से आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो ये भी संविधान का अधिकार है जो हमें दिया गया है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान अपने आप में सब कुछ लेके आया है। बाबा साहब भी और अंबेडकर जो थे उन्होंने ऐसा संविधान दिया कि बहुत सारे विद्वान आज कहते हैं कि अगर भारत से कुछ लेने की चीज है कुछ भारत से लिया जा सकता है तो वो भारत का संविधान है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं श्री रविंद्र रैना भाजपा अध्यक्ष जी को यहाँ पर बुलाकर ये कहूंगा कि अपने विचार आगे रखें। एक बार सभी जोर से आप लोग जय घोष करेंगे हाथ खड़े करके, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर का दिन है और 26 नवंबर का दिन हमारे देश का संविधान दिवस के नाते से कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाते से इसे मनाया जाता है।
स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे यहां आज इस संविधान दिवस को मनाते हुए हमें इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने हर हिंदुस्तानी के लिए उनके अधिकार सुरक्षित हों, उनके फंडामेंटल राइट्स, और वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज भी हर हिंदुस्तानी नागरिक को उनका जिम्मा सौंपा है। साथियों, हम सब जानते हैं एक लंबी गुलामी की दास्तां जिसमें लगभग 200 वर्षों तक जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के चाहे एजुकेशनल ढांचा था, यहाँ के कल्चरल, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरें थी, वो सब नष्ट की, भारत से भारतीयता को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई और उसका बड़ा एक कारण रहा जो एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव से हटाकर उसको पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति में लाने की कोशिश की। लेकिन हमारा देश ऋषि मुनियों का देश, वीरों का देश, लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो अंग्रेजी हुक्मरान थे वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को वो तोड़ नहीं पाए, पूरा भारत एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ा। और जब देश आजाद हुआ तो जरूरत पड़ी कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून होना चाहिए, अपनी व्यवस्थाएं होना चाहिए और अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार हमको अपने देश को चलाना है। और उस वक्त हमारे देश के एक मायानास शख्सियत जो कि जाने माने एडवोकेट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनको कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे देश का संविधान तैयार हुआ और दुनिया का सबसे खूबसूरत और बढ़िया संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। और यह हमारे देश का संविधान है जो हमको मूलभूत अधिकार देता है, हमको हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमारा संविधान देता है। और 26 नवंबर को पूरा भारत अपने इस संविधान, जो दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता। हम याद करते हैं अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने बहुत मेहनत की, एक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक एक व्यक्ति का, एक हर एक समाज का, हर एक क्षेत्र का उन्होंने ध्यान रखा, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे हमारी धार्मिक धरोहरें हैं, चाहे हमारे व्यक्ति के अपना स्वाभिमान है, सबको इंटैक्ट रखा और एक ऐसा संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया कि जिसने पिछले 70 साल के अंदर भारत के अंदर यहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत किया, वहीं हर व्यक्ति को उनके अधिकार दिए। दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, अगर आप उनके संविधान देखेंगे, चीन का ही संविधान उठा के देखोगे, अपने आप को बड़ा, एक बड़ा मुल्क मानता है, लेकिन वहां भी कोई इंसानी मूल्य आपको नजर नहीं आएंगे, वहां भी कोई लोकतांत्रिक मर्यादाएं, इंसानियत के नाते से एक दूसरे का मान सम्मान वहां नजर नहीं आता।
इसलिए जो भारत देश के संविधान के निर्माता थे उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने एक कमरे में बैठ के संविधान नहीं बनाया, वो पूरे भारत में घूमे, हर एक व्यक्ति से मिले और जो उन उस वक्त उनको दी बेस्ट लगा उन्होंने वो हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे धार्मिक मर्यादाओं को बिल्कुल मजबूत रखा और हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को यहाँ जनता के हवाले किया। भारत देश है, यहाँ कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, यहाँ ये कहा जाता है कि समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि है, इंसान ही सरकारें बनाता है, आम शख्स कोई अधिकार है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया के ऐसे देश हैं यहाँ महिला का 2 वोट अगर महिला डालती है तो उसको 1 काउंट किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, सबके अधिकार बराबर हैं। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही हमारा संविधान है, यही हमारे संविधान की खूबसूरती। मेरे साथियों दोस्तों, आज यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में इस संविधान दिवस को मनाते हुए हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज पूरी तरीके से वो कानून जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने बनाया, आज वो लागू हुआ है। ये इस संविधान दिवस की खूबसूरती है जो आज हम आपके बीच में मना रहे हैं, हम सब मिलके मना रहे हैं। एक जमाना था कि पश्चिम पाकिस्तान कैसे आए विस्थापित, 70 साल जम्मू कश्मीर में रहे, अमेरिका के हवाई जहाज में अगर कोई उनकी एयर स्पेस से निकलते किसी जहाज में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाता है। 70 साल यहाँ पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित जम्मू कश्मीर में रहे, लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिए गए। अधिकांश वो लोग दलित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। 70 साल उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई, वो जमीन नहीं खरीद सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे, गुलाम की जिंदगी उन्होंने जी। और अक्सर जब पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित 2019 से पहले अपना प्रदर्शन करते थे, रैलियां करते थे, वो हाथों में स्लोगन लिखते थे, आजाद देश के गुलाम लोग। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, वो भी पश्चिम पाकिस्तान से आए थे, जो वेस्ट पंजाब विभाजन के बाद जो पाकिस्तान में चला गया, वो दिल्ली चले गए, उनको सारे अधिकार मिले, लेकिन जो सियालकोट से ये जो शकरगढ़ तहसील पाकिस्तान में चली गई, वहां से जो लोग जम्मू कश्मीर आ गए, जम्मू आ गए, आरएसपुरा, अरनिया, बिश्ना, हीरानगर, कठुआ, यहाँ मढ़, खोड़, अखनूर, जम्मू, उनको अधिकार नहीं मिले, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। और बिलाखर जब 2019 को एक नफरत की दीवार जो यहां लगा के रखी गई थी, जब उसको समाप्त कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को उनके हक मिले। इसी प्रकार जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के समय जो पंजाब से बाहर से आए थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जम्मू में रही, वाल्मीकि समाज से थे, वो भी दलित समाज से संबंध रखने वाले हमारे भाई बंधु, 70 साल उनको भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा गया, उनको भी उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए। मेरे साथियों दोस्तों, इसी प्रकार गोरखा समाज के लोग हों या हमारी महिलाएं हों, माताएं बहनें हों, पूरे देश में जो माताओं बहनों को अधिकार थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून में सबको अधिकार दिए थे, वो यहां नहीं लागू थे। और बिलाखर जब मोदी साहब ने
और अमित शाह साहब ने बड़ा फैसला लिया धारा 370 को समापन का। उसके बाद चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, हमारे दलित समाज से संबंध रखने वाले भाई बंधु हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर गोरखा समाज, या फिर हमारी महिला शक्ति हो, माताएं बहनें हो, इनको अधिकार मिले। साथियों इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग हैं, शत प्रतिशत गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग, वो हमारे मुस्लिम समाज से आने वाले संबंध रखने वाले भाई बहन हैं। 70 साल यहां की हुक्मरानों को वो वोट देते रहे, एनसी कांग्रेस पीडीपी को, लेकिन उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए। ना तो उनको जंगल में जिस जमीन पर, खासकर जो बकरवाल, जो नोमैड लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जंगलों में जहां कहीं वो रहते थे, उस जमाने में उनके कुल्ले, जो कच्चे मकान तोड़ दिए जाते थे, ना ही उनको जमीनों के मालिकाना हक थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हिंदुस्तान के कानून ने बिल पास किया, कानून बना, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया, और उल्टा गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को और गद्दी सिप्पी, जो वो भी एसटी हैं, उनको भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। ना फॉरेस्ट राइट्स, ना जमीनों के मालिकाना हक, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लगाकर उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई। जो हमारे दलित समाज से संबंध रखने वाले भाई बहन हैं, एससी समाज से जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून आया था, उनकी नौकरियां भी खत्म कर दी गई थी। लेकिन एक हमने संघर्ष सड़कों पर लड़ा था, और उसके बाद मजबूर किया, हमारे संघर्ष की वजह से हमारे दलित समाज के भाई बहनों को तो वह अधिकार मिल गए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां रहेंगी, लेकिन गुजर बकरवाल लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। फिर हमने संघर्ष लड़ा गुजर और बकरवालों के लिए, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे, और जैसे ही ये 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, आज जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल भाई बहनों को यहां जमीनों के मालिकाना हक मिले हैं, वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून भी खत्म करके गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी समाज के लोगों के साथ इंसाफ, और वहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में एसटी के लिए थी, आज पंचायत से लेकर बीडीसी, डीडीसी, जिला परिषद और एमएलए तक की बहाल कर दी गई है। और वहीं गुजर बकरवाल समुदाय से श्री गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। इसी प्रकार आप देखेंगे, जैसे गुजर बकरवाल भाई बहनों की समस्याएं थी, उसी प्रकार यहां पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 70 साल से अपने हक और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी यहां के हुक्मरानों ने की। वोट लेते रहे, तालियां भजवाते रहे, नारे अपने हक में वो भजवाते रहे, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों का, समाज का कत्ल माजी के इन हुक्मरानों ने किया। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने ऐलान किया है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक दिए जाएंगे, उनके साथ भी इंसाफ होगा। आज समाज के हर वर्ग का भला हो रहा, वो सारा संविधान, वो सारे कानून जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किए, वो सारे संविधान के अंश जो स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कलम से लिखे कि हर हिंदुस्तानी के हक बराबर हैं, हर हिंदुस्तानी को उसका हक देना चाहिए, मिलना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी बराबर का अधिकारी है, हर हिंदुस्तानी को बराबर के हकूक है, आज वो जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर की जनता में बेहद खुशी हुई।
एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी समाज। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी समाज को जो अधिकार हमारे कानून ने, संविधान ने दिए, वो जम्मू कश्मीर में यहां माजी के हुक्मरानों ने लागू नहीं होने दिए। और आज हमें इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, उसने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का दर्जा यहाँ की कास्ट को दिया जाए। जो पहले ओएससी अदर सोशल कास्ट के नाते रजिस्टर्ड थे, उसमें भी 15-16 और कास्टें जोड़कर, चाहे वो मरकबान से मोची हैं, दर्जी हैं, हजाम हैं, चाहे वो हांजी हैं, बुनकर हैं, जुलाहे हैं, लोहार हैं, तरखान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाट कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे अनेक अनेक जातियों को ओबीसी के दर्जे में भी शामिल किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर भी फैसला होगा और जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, नौजवानों को, उनके अधिकार मिलेंगे जो हिंदुस्तान के कानून ने, संविधान ने दिए। साथियों, आज 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस है, वो हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान नेताओं ने जो सोच, जो बड़ा विचार पूरे देश को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोकर सबको बराबरी का अधिकार दिया, ये सदा बरकरार रहना चाहिए। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही वो सूत्र है, यही वो मूल मंत्र है जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत सबका है, ये हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार ठीक तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये जो सर्वसंपन्न समाज है, ये उनका दायित्व है कि जो आज भी लोग जिन तक उनके अधिकार नहीं पहुंचे, जो अधिकारों से महरूम हैं, उन तक वो अधिकार पहुंचने चाहिए। कोई भी हमारा भाई बहन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिस जो अपने अधिकारों से वंचित रहे। और इसी प्रकार समाज के अंदर समरसता, भाईचारा ये बरकरार रखना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं और हम सबको अपने देश के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना है। यहां हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वहीं हमारे संविधान ने हमारे लिए कर्तव्य भी तय किए हैं, कुछ ड्यूटीज भी लगाई हैं। हमें अपने देश के लिए समर्पण भाव से काम करना चाहिए। ये देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये देश हमारी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि को, अपने देश की मजबूती, एकता और अखंडता के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। यही प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दी और यही प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने, ऋषि मुनीषियों ने हमको दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के संविधान दिवस 26 नवंबर को हम सब यह संकल्प लेंगे कि जहां हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वहीं अपने कर्तव्यों के लिए भी पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। कर्तव्य परायणता, ड्यूटी बाउंड हर इंसान रहना चाहिए और सबसे बड़ी ड्यूटी अपने देश की होती है। ये देश है तो हम हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।